Hello everybody, welcome back to the Sunday League Pundits channel. This is a new series which we have started in which we are going to be inviting fans of different clubs on our channel and asking their opinions about how their club is going and what do they think can be improved. So in our first video, we invited AKG. He is also a YouTuber like us and he's a Barcelona supporter, and we are going to be having a conversation with him regarding his club and what does he think Barca needs to do to improve and win trophies. So let's get started. So, भाई सबसे पहले तो आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने मेरे को चुना बार्सिलोना के लिए, और बाकी आई एम ऑनर्ड टू बी हियर. बाकी चलो भाई चालू करते हैं. मतलब कब से सपोर्ट कर रहे हो आप? यार बहुत मतलब वियर्ड सी स्टोरी है. इट ऑल बिगेन जब मैंने फीफा 10 चालू किया खेलना, और फीफा 10 में रोनाल्डिनियो का कवर था, एंड आई वाज रियली अमेज्ड बाय सीइंग द स्किल्स ऑफ रोनाल्डिनियो ऑन यूट्यूब. और वो बेसिकली बार्सिलोना के लिए उस समय तो नहीं खेलता था, बट मैंने बहुत सारे उसके वीडियोज जो है वो बार्सिलोना से रिलेटेड देखे, एंड धीरे धीरे फिर बार्सिलोना को और सर्च करने लगा. तो फिर लियोनेल मेसी के बारे में पता चला, 2010 की बात है ये, एंड देन आई ट्राइड टू फॉलो बार्सिलोना, बट आता नहीं था टीवी में ला लीगा, लेकिन अब क्या करोगे, अब देखना था. लेकिन अच्छे से अपना इंडिया में 2010-11 सीजन ब्रॉडकास्ट चालू हुआ था, और मैंने अच्छे से देखना 11-12 सीजन से जो है वो चालू किया. और पहला सीजन था पेप गार्डियोला का, दूसरा था टीटो का, एंड इट वाज रियली ग्रेट. पहले सीजन में हमने बहुत सारे ट्रॉफी जीत ली, फिर तो मैं बोला यार ये तो भाई मजा है, यही क्लब है भाई अपना. लेकिन उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल होने लगा, लेकिन फिर भी अब वो हो जाता है यार, फुटबॉल फैन है तो अपन जिसको सपोर्ट करने लग गए अब वही है. बात तो सही. मैंने भी बार्सिलोना को मिस, मतलब गार्डियोला को तो मैंने भी नहीं देखा था, मतलब इतने छोटे थे हम लोग तो इतना पता भी नहीं था. थोड़ा बहुत टीवी वगैरह पे कभी दिख गया तो इतना इंटरेस्ट नहीं था फुटबॉल में. मोस्टली मैंने भी वही टीटो नोवा का पहला सीजन मैंने देखा था फुटबॉल ज्यादातर. और मतलब गार्डियोला वाले एरा बहुत वो लगता है कि मैंने मिस कर दिया. मतलब मैंने फाइनल वगैरह देखे जो यूनाइटेड को जो हराया था 2-0, और फिर वेम्बली में हराया था, वो सब तो मैंने देखा है, लेकिन मैंने मतलब रेगुलर नहीं देखा था. लेकिन चलिए अब इस एरा पे आते हैं. तो आप अभी मेनली यू आर कोमन आउट, तो ऐसा क्यों लगता है, मतलब कोमन को क्यों नहीं बैक कर रहे आप जिस सिचुएशन में? हम 8-2 आ रहे थे बायर्न म्यूनिख से, उसके बाद मतलब उसके पास इतने फंड्स भी नहीं थे, लेकिन मतलब मेरे ख्याल से हाँ अप टू द मार्क नहीं, बार्सिलोना लेवल नहीं, लेकिन मतलब इतना बुरा भी परफॉर्म नहीं किया है जितना उसे एक्सपेक्ट किया था. सही बात है. कहीं ना कहीं मैं भी शुरुआत में सपोर्ट कर रहा था कोमैन को, बिकॉज ही इज़ अ लेजेंड ऑफ आर क्लब, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. और शुरुआत में जब उसने 4-2-3-1 को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वो स्टबनेस दिखा रहा था, हमने देखे शुरुआत के 2 गेम्स बहुत प्यारे चले. प्री सीजन में हमने देखा कि वो यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा चांस दे रहा था, कॉनराडो ला फुएंटे खेल रहा था, रिकी पूच को भी टाइम मिला था. सो एक्सपेक्टेशंस जो बंदे ने सेट कर दिया था शुरुआत में आते ही, अब तो मेरे को लग रहा था ये तो भाई ट्रॉफीज की छड़ी लगाने वाला है. लेकिन फिर धीरे धीरे जो हमने देखना चालू किया कि 4-2-3-1 आप खिला रहे हो, बट इट्स नॉट वेरी वर्किंग वेल इन बार्सिलोना, जहां पे फिलिपे कटिन्यो जबरदस्ती खेलते हुए नजर आ रहा था. फिर अंसु फाटी को इंजरी हुई, फिर अंसु फाटी की इंजरी, वहां पे मेरे को थोड़ा सा डाउट होने लगा कोमैन के ऊपर. क्योंकि जब अंसु फाटी को इंजरी हुई, उसके बाद एक मैच मैंने देखा जब उसने, मेरे को पर्टिकुलरली याद नहीं कौन सा मैच था, बट उस मैच में हम 4-3-3 खिलाए थे एंड इट वर्कड रियली वेरी वेल. एंड मैंने बोला कि भाई अब इसमें ये स्टिक कर गया ना तो मजा आ जाएगा देखने में, बट फिर से वही कहानी वापस 4-2-3-1 4-2-3-1 4-2-3-1. स्टबनेस देखने को मिल रही है, रिकी पूच आ करके इतना प्यारा गेम दे रहा है, स्टिल रिकी पूच को चांस नहीं मिल रहा है. एंड आप अगर एक कोच के बारे में देखोगे तो नंबर वन चीज होती है वो टैक्टिक्स होती है. मेरे ख्याल से रोनाल्ड कोमैन कुछ गेम्स में टेक्टिकल वाइज वॉज नॉट वर्किंग रियली ग्रेट इन बार्सिलोना. मैंने पॉइंट आउट कर दिया था बहुत सारी चीजें. एक गेम में लियोनेल मेसी जो है वो बीच में आ जा रहा है, पूरा आपका विंग खाली पड़ा हुआ है. तो मेरे ख्याल से वो सब चीजें देख करके मेरे को लग रहा था यार कि टेक्टिकली ही इज नॉट दैट ग्रेट. और ऐसे भी अपन देखते आए हैं यार, रोनाल्ड कोमैन को एवर्टन हो गई, साउथहैम्पटन हो गया, उससे पहले वेलेंसिया हो गया, कहीं काम करते हुए मेरे को तो नजर नहीं आया था. तो आई हैड डाउट्स, बट मेरा डाउट धीरे धीरे क्लियर हो जहां रहा है, क्योंकि अब जो मैंने पर्टिकुलरली पॉइंट आउट किया था कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा 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 होगा तो काम करेगा, अब रोनाल्ड कोमैन अब वही सेम काम कर रहा है. 4-3-3 वापस से आ चुका है, लियोनेल मेसी वापस से सेंट्रल खेल रहा है, फॉल्स नाइन बहुत प्यारा, अब वापस से चीजें चल रही है. तो अब अगर रोनाल्ड कॉमन यही सेम चीज जो है वो कंटिन्यू करता है तब तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर फिर से वो स्टबनेस हमको देखने को मिली, 4-2-3-1 देखने को मिला, तो फिर भाई कोमैन आउट तो फिर कहना पड़ेगा. मतलब
मेरे को भी कुछ आपसे पूछना था, मतलब कि कोमेन का, कि कोमेन तो अभी जैसे साउथहैम्पटन में मेरे हिसाब से उसका लास्ट बेसिकली हाई सीजन था, जो जो उसने साउथहैम्पटन के साथ फिनिश करके उसके बाद एवर्टन गया था। वो एवर्टन में उसका काफी मतलब वो था, टॉपसी टर्वी था कैंपेन, मतलब उसने सही एवर्टन में बात। फिर एवेंचुअली सैक हो गया था वो। उसके बाद मार्को सिल्वा आया था और ही वेंट टू द डच टीम। डच टीम में भी मतलब नेशनल इज ऑल्सो ऑब्वियसली अ डिफरेंट एनिमल टू क्लब फुटबॉल, क्योंकि आप इतना इनफ्रीक्वेंटली खेलते हो, आप पे प्रेशर भी इतना नहीं होता। तो ऑब्वियसली एंड द क्लब बीइंग बार्सिलोना व्हिच इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड, तो ऑब्वियसली आई थिंक आई हैव बीन डाउटिंग लाइक फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, बिकॉज मैं तो बार्सा सपोर्टर नहीं हूँ। मुझे तो लगता है कि बार्सा एवर सिंस लुइस एनरिके दे हैव नेवर बीन दे हैव नेवर एक्चुअली वांटेड अ वेरी कोच व्हिच यू कैन से कि हाँ ये कोच है, ये दिस कैन ही कैन लीड देम फॉरवर्ड ढंग से। तो कभी टाटा, जैसे टाटा मार्टिनो तो पहले ही था, टाटा मार्टिनो हो गया आपका, और उसके बाद वेलवर्डे का, वेलवर्डे में भी मतलब उत्कर्ष इज अ फैन, उससे मेरी कॉलेज में भी बात होती थी, तो और मेरे तो बाकी दोस्त भी हैं एक दो फैन, तो वो भी कहते थे कि वेलवर्डे इज ऑलवेज यू नो दे वर नेवर फुली सोल्ड ऑन वेलवर्डे। उन्हें ये नहीं था कि वेलवर्डे हमारे को कर लेगा, कि वेलवर्डे विल टेक अस टू द नेक्स्ट लेवल विनर्स द चैंपियंस लीग। तो आपको क्या लगता है, शुड बार्सिलोना हैव गॉन फॉर अ एस्टैब्लिश्ड नेम लाइक फॉर एग्जांपल एंचेलोटी, इज एवर्टन राइट नाउ, बट उस कैटेगरी का जैसे एलेग्री हो गए, और शुड देयर बी जस्ट सो फोकस्ड ऑन देयर फाउंडेशन, व्हिच आई डोंट थिंक दे आर ऑन देयर फाउंडेशन। और जो उनका टिकी टाका वाला था और लामासिया का था, इट्स वेरी डाइल्यूटेड नाउ। तो आप क्या सही सोचते हैं? बात, सही बात है। कहीं ना कहीं सच में ये फील होती है कि हाँ यार, एक वेल एस्टेब्लिश्ड कोच आ जाता तो जो हम इतना ज़्यादा चैंपियंस लीग जो है वो बॉटल कर रहे हैं, वो ऑफ कोर्स हमको देखने को नहीं मिलता, इस चीज़ में तो मैं अग्री करूँगा। बट कहीं ना कहीं ये भी चीज़ देखने को मिली है, जब ऐसे कोचेस को ले आया गया है जो फोर टिकी टाका नहीं खिलवाते हैं, 4-3-3 पे उतना विश्वास नहीं रखते, तो फिर हमारी क्लब जो है वो एक आइडेंटिटी लूज करने लग गई थी। एंड दिस वॉज द वेरी सोल रीजन जिसके चलते हम फैंस वेलवर्डे को बैक नहीं कर रहे थे। मेरे ख्याल से लुइस एनरिके के बाद वेलवर्डे का आना वॉज अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट फॉर बार्सिलोना, क्योंकि वहीं पे मैंने ये फील किया कि यार अपन अपनी आइडेंटिटी खो रहे हैं, अपनी डीएनए खो रहे हैं। ठीक है, वी कैन से कि यार डेम्बेले को लाया गया कि नेमार का वो जो है वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा, 4-3-3 खेला जाएगा, फिर डेम्बेले पूरे सीजन भर के लिए इंजर्ड हो गया, तो वो सब बातें तो अपनी जगह है, बट स्टिल यार मैं ये फील करता हूँ कि ठीक है, हाँ चाहिए तो था हमको इंस्टीट्यूशनल कोच, बट एक बड़ा नाम जो 4-3-3 खिला है, टिकी टाका खिला है, वो उस समय अवेलेबल नहीं था और मेरे ख्याल से अभी भी अवेलेबल नहीं है। और जिस हिसाब से रोनाल्ड को मैंने नीदरलैंड को कोच किया, तो वो नंबर वन फेवरेट तो था शुरुआत से ही, बट मेरे को ये पर्टिकुलरली फील हो रहा था कि यार ये जब जानता है बार्सिलोना को, तो फिर क्यों नहीं 4-3-3, क्यों 4-2-3-1 फालतू प्रेशर करना, जब बुस्केट्स इज नॉट कंफर्टेबल इन दैट फॉर्मेशन, तो फिर लग रहा था कि ठीक है। बट हाँ यार, कहीं ना कहीं वो लगता है कि एक इंस्टीट्यूशनल मैनेजर आ जाए तो मजा आ जाता है यार, लगता तो है। चलो कोमन से आगे बढ़ते हैं। कोमन इन कोमन आउट से सीजन एंड पे पता चलेगा जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद अगर फॉन्ट भैया सही जीत बात, गए तो। हाँ तो क्या और को क्या लगता है जानवी ट्रांसफर विंडो में किसे ऐड करना चाहिए? मतलब जैसे लेफ्ट बैक में हमें काफी जरूरत है किसी को ऐड करने, क्योंकि फिर को बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है। जॉर्डी अल्बा भी मतलब थोड़ा एज हो रही है तो इंजरी रिकॉर्ड भी उतना कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब इंजर्ड हो जाता है, उसकी पेस भी थोड़ी कम हो गई है पहले से। और बुस्केट्स को भी हमें रिप्लेस करना होगा, क्योंकि जैसे हमने डियोंग को लिया, डियोंग मतलब एक रिप्लेसमेंट है बुस्केट्स का, लेकिन इन द लॉन्ग रन हमें एक और प्लेयर लाना होगा जो बुस्केट्स और डियोंग दोनों को कवर करे। तो ऐसा सही कोई बात, अभी अभी कोई सेंटर बैक भी हम अभी वो है, क्योंकि हम चैंपियंस लीग में और पीएसजी के खिलाफ हम अरो और लॉन्ग ले में, तो बिल्कुल मैं सही, बिल्कुल लॉन्ग ले मुझे बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगता है जब से वो आया। मतलब उसकी पोजिशनिंग, एक पोजिशनिंग बहुत खराब है, पेस उसका थोड़ा ठीक है, और मतलब अटैकिंग हेडर भी उसका तो कुछ खास नहीं है। डिफेंसिव हेडर हाँ ठीक है सही है, लेकिन अटैकिंग हेडर इज नॉट वेरी कन्विंसिंग। तो पीके की कमी काफी खली है, अरोहो काफी कंसिस्टेंट है लेकिन बहुत ही यंग है वो। तो चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल में अगर हम पहुंचते हैं, राउंड ऑफ 16 में पीएसजी के खिलाफ हमारा मैच है, तो मतलब उसको मैं ये बैक नहीं करूंगा कि मतलब वो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन मतलब उस पर भरोसा नहीं दिखाऊंगा। अगर उसे कोई गलती होती तो ठीक है, मतलब उसे गलती एक्सपेक्टेड, इतना यंग सेंटर बैक है वो। तो हमें किसे साइन करना चाहिए जानवी ट्रांसफर विंडो में जो हमें थोड़ा कवर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि पीके तो मुझे लगता नहीं सीजन एंड तक आने वाले हैं वापस। सही बात है। इस चीज से तो मैं बिल्कुल अग्री करूंगा। लॉन्ग ले भाई, मैं भी मतलब वो कोई गेम में बहुत अच्छा खेल लेता है, लगता है अरे ये तो भाई फुटबॉल की आत्मा आ गई इसके अंदर, और कोई गेम में लगता है भाई ये क्या कर रहा है। लेकिन ठीक है, सही बात है यार, अपन को प्लेयर्स की तो बहुत ज्यादा नीड है। लोग कह रहे हैं वी आर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन, बट जो लापोर्ता भाई कहते हैं, हमारे सर लापोर्ता, कि बार्सिलोना नेवर गोज इनटू अ ट्रांजिशन क्योंकि हमारे पास ला मासिया है, मैं भी अग्री करता हूँ उससे।
लेकिन हाँ वी नीड साइनिंग्स टू बी रियली ऑनेस्ट, लेफ्ट बैक में हमको साइनिंग चाहिए, बट अभी मेरे नजर में जिस हिसाब के हमारे पास फंड्स हैं मेरे को नहीं लगता कि अपन किसी लेफ्ट बैक को तो खरीद पाएंगे। मैं पर्टिकुलरली ये कहना चाहूंगा कि वी नीड अ स्ट्राइकर जो ग्रीजमैन को सपोर्ट कर दे, क्योंकि हम शुरुआत से देखते हुए आ रहे हैं ग्रीजमैन को जब कोई सपोर्ट करने के लिए रहता है तो वो अपना बेस्ट खेलता है। फ्रांस में आप देख लो एम्बापे रहता है, मार्शल रहता है, जीरू रहता है, तो ग्रीजमैन का हमको बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। बार्सिलोना में जब जब मैसी चला है बेस्ट दिया है ग्रीजमैन। पिछले सीजन में भी हाँ ग्रीजमैन का अपना बेस्ट सीजन नहीं था उसका, बट स्टिल लुइस सुआरेस और मेसी के होने से ग्रीजमैन गोल्स और असिस्ट में कहीं ना कहीं नजर आया था ला लीगा में। इस सीजन में भी अब जब मेसी चल रहा है ग्रीजमैन इज वर्किंग वेरी वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से अगर मेसी नहीं चलता है तो फिर ग्रीजमैन भी नहीं चलेगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा मेरे ख्याल से मेम्फिस डीपे। ठीक है मेम्फिस डीपे अपन जान रहे हैं यार कि वो कहीं भी लुइस सुआरेस मेसी या ग्रीजमैन के लेवल का नहीं है, बट आई स्टिल कंसीडर कि ही इज एन अपग्रेड ओवर मार्टिन ब्रेटवेट। और मेरे ख्याल से डीपे अगर आ जाता है जनवरी में ही आ जाए भगवान करे, तो वो जो अटैकिंग प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अंशु फाटी मेरे ख्याल से फरवरी मार्च तक तो अपन को देखने को मिलेगा नहीं, और अगर देखने को भी मिला यार तो बहुत यंग है। आई डोंट थिंक सो कि रोनाल्ड कोमन उसको 90 मिनट हर मैच में खिलाएगा। तो मेरे ख्याल से डीपे आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी टीम के लिए अटैकिंग वाइज, बट डिफेंडिंग में हाँ यार प्रॉब्लम तो है। बट बहुत प्रैक्टिकल होके बोलूं तो फंड्स नहीं है, यस वी कैन ट्राई ऑन अलेक्जेंड्रो ब्लेड जो हमारा बारसा बी का प्लेयर है उसको ला दो यार, देखते हैं क्या करता है क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहा है बी में, सो लेट्स सी। बाकी डिफेंडर तो यार मेरे ख्याल से अरुआहो के ऊपर अपन ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या पता चल जाए यार, ट्रस्ट तो करना पड़ेगा यार क्योंकि अब फंड्स ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है। एक लेफ्ट बैक जो मेरे दिमाग में था मतलब हमारा बारसा बारसा का ही प्लेयर है बेनफिका चला गया एलेक्स ग्रिमाल्डो, मतलब काफी बेनफिका में काफी अच्छा खेला है, तो वेरी बहुत ही कंसिस्टेंट था बेनफिका में और मतलब असिस्ट भी उसकी क्रॉसिंग वगैरह काफी अच्छी है, तो मतलब बारसा टाइप ऑब्वियसली हमारी एकेडमी का है तो बारसा टाइप प्लेयर है, लेफ्ट बैक हम उसको देख सकते हैं, लेकिन मतलब भाई वो काफी कॉस्टली होगा तो हमारे पास फंड नहीं उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फंड में ना होने के कारण बहुत बहुत बड़े वो है हमारे क्या नाम है प्रेसिडेंट साहब जो अब नहीं रहे। सही बात है, बहुत बहुत प्रॉब्लम करके चला गया यार वो आत्मा, अभी तक सता रहा है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन आने वाला है लपोर्टा और फॉन्ट मतलब मेनली कैंडिडेट से, लपोर्टा तो बहुत ज्यादा अपनी वो प्रचार प्रसार नहीं कर रहा है लेकिन फॉन्ट काफी आगे है, उसने अपना प्रोजेक्ट उसने नाम रखा है सी एल फुतूर मीनिंग यस टू द फ्यूचर, तो बेसिकली वो फॉन्ट कहना चाहते हैं कि मतलब सॉरी हाँ फॉन्ट कहना चाहते हैं कि हम जैवी को वापस लाएंगे जैसी में बनता हूँ कोच, हम वापस लामासिया को लामासिया मॉडल लाएंगे और मतलब कैंपेन में काफी ध्यान रहे, तो क्या फॉन्ट को बैक करो कि लपोर्टा को जो कि रिजल्ट्स वाले प्रोड्यूस किया और काफी गोल्डन पीरियड का हमारा उस टाइम, या फिर आप कुछ नया देखना चाहोगे फॉन्ट में? पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा उत्कर्ष भाई, आप बताओ आप किसको बैक कर रहे हो, कोमेन को या फिर फॉन्ट को, अरे कोमेन बोल रहा हूं सॉरी, लपोर्टा को या फिर फॉन्ट को? लपोर्ट तो मतलब जैसे ऑब्वियसली मतलब थोड़ा एस्टैब्लिश नाम है, 7 साल था हमारे क्लब में, 12 ट्रॉफी जीत, हमारे रेवेन्यू इतना बढ़ गया था, लेकिन जब वो गया था तो बहुत ही अच्छा एंड नहीं था उसका, मतलब हमारा रेवेन्यू काफी लास्ट ईयर में रेवेन्यू काफी लॉस हो गया था और बेसिकली हमारा जो वो है जो हमारा क्लब मोटो है मिस क्लब, मतलब बेसिकली उसको लगाया था लपोर्टा ने कि हमारे जो प्राइस इतने कम थे, हमने यूनिसेफ को डील दी थी तो हम उनसे कोई पैसे नहीं लेते जबकि हमको डोनेट कर रहे थे 1.5 मिलियन आई है, तो लपोर्टा हाँ एक एस्टैब्लिश नाम है, लेकिन मैं मतलब कुछ नया देखना चाहूंगा, विक्टर फॉन्ट काफी कन्विंसिंग लग रहा है मुझे, तो मैं विक्टर फॉन्ट को देखना चाहूंगा, आपको क्या लगता है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा हमारे रास्ते अलग हैं, मैं लापूर्ता को देखना चाहूंगा जस्ट बिकॉज यार मेरे ख्याल से हमारा क्लब अभी एक ऐसे सिचुएशन में है जहां पर हमको प्लान्स तो बहुत प्यारे प्यारे मिलेंगे यार, प्लान तो हर एक नेता देता है कि ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, लेकिन अभी अपने को भाई एक्सपीरियंस काम आएगा मेरे ख्याल से। अपन बहुत बहुत एकदम मतलब मैं डेलिकेट सिचुएशन में है उत्कर्ष भाई मेरे ख्याल से, जहां से अगर यहाँ पे कोई स्ट्रांग प्रेसिडेंट नहीं आया ना तो फिर जो अपन सुनते हुए आ रहे हैं ना कि बार्सिलोना विल बी द नेक्स्ट एसी मिलान, वैसा कहानी हमको देखने को मिल जाएगा अगर ये प्रेसिडेंट जो भी आएगा यार वो अच्छा नहीं किया तो मेरे ख्याल से अभी प्लानिंग और प्लान्स से ज्यादा एक्सपीरियंस काम आएगा। लापोर्ता बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखा है और काम भी अच्छा किया था यार, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो मेरे ख्याल से आई एम सपोर्टिंग लापोर्ता दिस टाइम, क्योंकि मेरे ख्याल से ये 4 साल मेरे ख्याल से लापोर्ता को दे दो, थोड़ा सा अपन बिल्डअप हो जाए एंड देन वी कैन ट्रस्ट ऑन विक्टर फॉन्ट, क्योंकि विक्टर फॉन्ट तो लंबे घोड़े के रेस में वो दिखेगा अपने को, देखना अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी खड़ा होगा विक्टर फॉन्ट और अगला वो जीत सकता है फिर। तो मेरे को भी एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे मैंने दोनों लाइक एलिफेंट इन द रूम है बेसिकली लियोनेल मेसी का जो अभी ही इज फ्री टू डिस्कस विद एवरीबॉडी नाउ, 6 महीने बचा है कॉन्ट्रैक्ट के, तो दोनों प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं मैंने दोनों का देखा कि दे आर बोथ ओपन टू
मतलब डू एनीथिंग, गो पुल ऑल स्टॉप्स टू मेक मेसी स्टे. सो फाइनेंशियली अगर देखो, आप भी कह रहे हो कि जैसे एक्सपीरियंस सही है, वो विक्टर कॉन डजंट हैव द एक्सपीरियंस, लपोर्टा में है, पर मेसी को रोकना, ऑलरेडी इज ऑन 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट उसका हफ्ते का. उसके अलावा लॉयल्टी बोनस प्लस अलग कह रहा है, जो बहुत फाइनेंशियल लोड है मेसी का, दो इट्स वेरी जस्टिफाइड, ही इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री, उसका कोई क्वेश्चन नहीं है. पर क्या आपको लगता है कि मतलब मेसी के लिए जो पॉलिसी होगी नए कैंडिडेट के लिए, इज दैट दी मोस्ट क्रूशियल पॉइंट? बिकॉज अगर मेसी को जाने दिया तो बार्सा पे एक बहुत फाइनेंशियल बर्डन रिलीज हो जाएगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन अ टन ऑफ डेट. और मेम्फिस डिपाई जैसा प्लेयर जिसका भी समर में ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे, दे आरंट एबल टू साइन इन, जो भी जो 10 मिलियन से अंडर में आ जाएगा बिकॉज ऑफ हिज लेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी नहीं कर पा रहे. तो आपको लगता है मेसी को जाने देना चाहिए, या आपको ये है कि मेसी को रखो किसी भी हालत में? यार ये बहुत, मतलब आप ऐसे फैन से पूछ रहे हो जो मेसी को बचपन से देखते हुए आ रहा है. तो दिल से बोलूं तो सच में यार मेसी ना जाए तो अच्छा है, लेकिन दिमाग से बोलूं तो आपने जो जो बातें कही अचिंत भाई लेकर के फाइनेंशियली और वगैरह वगैरह, सब सही है, सब सही है. तो हाँ देखो, मेसी के लिए भी अच्छा होगा यार अगर वो बार्सिलोना छोड़ के जाता है तो, क्योंकि जाकर के इवेंचुअली उसके आखिरी आखिरी करियर के साल चल रहे हैं, और अपन देखते हुए आए हैं मेसी ने हर एक ट्रॉफी उठाया है, और आखिरी में अगर वो UCL ना उठाए तो फिर तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा यार. तो मेरे ख्याल से हाँ मेसी चल जाए तो अच्छा होगा. लेकिन एक पॉइंट मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अगर बाय चांस जो जो दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि मेसी को रोकेंगे, मेसी को रोकेंगे, तो वेरी नंबर वन रीजन वाई दे आर स्टिकिंग टू इट इज जस्ट बिकॉज, क्योंकि मेसी एक इतना बड़ा मार्केटिंग वैल्यू है बार्सिलोना के लिए, कि वो मतलब जितना उसका वेज है उससे डबल जो है वो जनरेट करवा देगा बार्सिलोना के लिए. अब इन टर्म्स ऑफ जर्सी सेलिंग हो गई, इन टर्म्स ऑफ पुलिंग द क्राउड इन कैंप नाउ हो गया, इन टर्म्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग मार्केटिंग वाइज बार्सिलोना के लिए मेसी इज द नंबर वन सेलिंग पॉइंट. और जो लापोर्टा के अंदर हमने देखा था फाइनेंशियल राइज अप हुआ था, वो प्लेयर्स के ही चलते हुआ था. तो मेरे ख्याल से लापोर्टा यही सोच रहा है कि अगर हम मेसी को रोक दिया तो ये कोरोना वायरस तो वैसे ही अभी खत्म हो जाएगा, वी विल बी अगेन पुलिंग आउट, मेसी विल बी अगेन पुलिंग आउट फंड्स फ्रॉम द फैंस, और बहुत सारा हमको फंड्स मिल जाएंगे, तो मेसी का जो वो फाइनेंशियल बर्डन है उससे तो अपन छूट जाएंगे, क्योंकि जो मेसी का सैलरी है वो मेसी अपन को खुद लाके दे देगा, तो टेंशन नहीं है. बट मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, एज अ मेसी फैन सोचूं, तो हाँ यार मेसी चले जाए, ट्रॉफीज उठाए, मोस्ट प्रोबेबली सिटी पे जाकर के प्रीमियर लीग उठा ले, UCL उठा ले तो हो जाए. बाकी आप, मैं जान रहा हूँ यूनाइटेड फैन हो लेकिन यार ठीक है, ठीक है सिटी है नंबर वन यार उसके लिए, तो अब मैं तो यही चाहूंगा यार कि ये हो जाए यार, क्योंकि सब कहते हुए आए हैं ना कि मेसी अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएगा, प्रूव नहीं कर पाएगा, जिसपे मेरे को ये लगता है कि यार जब वो बंदा अर्जेंटीना को खींच के वर्ल्ड कप तक ले गया, तो तुम कैसे कह सकते हो कि प्रीमियर लीग में नहीं चलेगा मेसी? तो ठीक है, मेसी फैन का आवाज यहाँ तुमको सुनाई दे रहा है, लेकिन यार अब मैं तो यही सोचता हूँ. बाकी अचिन भाई, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये पूछ रहा हूँ, यूनाइटेड में डीपे आया था तो बेकार खेला था, अपन सब जान रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आपने देखा है डीपे को बहुत ज्यादा, मतलब यूनाइटेड में एक सीजन दो सीजन देखा ही, क्या लगता है क्या अब वो हिट होगा बार्सिलोना में? डीपे बहुत इमेच्योर था, मतलब आया था वो, जैसे आप थोड़ा सा शेड्स ऑफ क्या रोनाल्डो को नहीं कह सकते इन टर्म्स ऑफ बीइंग वेरी रॉ, मतलब ये था कि उसके स्किल, ही इज अ वेरी गुड, मतलब वेरी स्किलफुल फुटबॉलर, उसकी क्रिएटिविटी है, पर वो यूनाइटेड में ऑब्वियसली था, वैन हाल ब्रॉट हिम इन बिकॉज वो डच कनेक्शन है, और ही वांटेड टू सी हिम डेवलप ऑब्वियसली, बट द प्रॉब्लम विद हिम वाज आई वांटेड टू सी हिम कंटिन्यू यूनाइटेड लॉन्गर, बट मोरिनियो का था कि अगर मेरे सिस्टम में बैठता है तो बैठता, नहीं तो मैं भेज दूंगा, वो वाला हिसाब था. और तो वही मोरिनियो ने भेज दिया उसे, मेरे को लगा कि थोड़ा प्रीमेच्योर था, आई वाज स्टिल होपिंग कि मतलब अभी इतना अगर सस्ते में मिल रहा है तो आई वुड स्टिल प्रेफर हिम कमिंग टू यूनाइटेड ओवर सैंचो, बिकॉज सैंचो अब हमने डीएलओ भी साइन कर लिया, चलो वो तो अलग बात है, बट डिपाई प्लेयर आई हैव सीन हू मैच्योर हुआ है इंटरनेशनल स्टेज पे भी, वो अच्छा खेल रहा है, वो सेकंड स्ट्राइकर भी खेल लेता है, विंग पे भी खेल लेता है, प्लस हिज क्रिएटिव आउटपुट लियोन में दो सीजन से ही इज बीन वेरी कंसिस्टेंट. तो आई थिंक कोमेन ने उसे संभाला है नेशनल टीम में भी, और अभी इसमें भी, अगर कोमेन को प्रोवाइडेड दैट विक्टर फोंटे डजंट कम, फोंटे तो वेरी वोकल रहा है कि उसे जैवी को ही लाना है, उसे जैवी को ही लाऊंगा, तो अगर कोमेन हट गया तो मे बी डिपाई कुड नॉट बी वेरी फेवरेबल फॉर द नेक्स्ट मैनेजर. But अगर Komen को, if they decide to stick with Komen, I think Depay would be a good signing. तो ये creativity भी है, plus goal threat भी है, and I think Barca really require player like that. सही बात है, अब ये चीज यूनाइटेड फैन ही बता रहे हैं तो फिर भाई कोई डाउट ही नहीं है, डिपाई तो चलेगा मेरे को लग रहा है बार्सिलोना. मैंने रियली होप्स वेयर आ जाए यार, देखिए अभी तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में होता है और फंड्स की बात है, अगर वो आना चाहे बार्सिलोना ये भी बात है, मतलब अगर कोमेन नहीं रहता है फ्यूचर, अगर फंड जीत जाता है तो वो शायद ना आना चाहे, क्योंकि उसका फिर फ्यूचर अनसर्टेन हो जाएगा जावी के अंदर. तो आई थिंक हमने मोस्टली सब टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो दैट रैप्स अप आवर वीडियो गाइस, एंड लाइक द वीडियो,
please give it a thumbs up and subscribe to our channel. And please do subscribe to AKG's channel. He's a fantastic YouTuber. And you can watch his videos on Barcelona. They are really well researched. And so that's it for the video, guys. Thank you. थैंक यू भाई. लोग सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब कर दो यार, और क्या.